नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाड़ा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। सियासी समीकरणों बारे गल तुहाड़े नाल करिए। आम आदमी पार्टी विच की हो रहा है। सब तो पहला पटियाले आई रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के बागी MP डॉक्टर धर्मवीर गांधी हुण आम आदमी पार्टी शामिल होकर सरगर्म भूमिका निभाउणगे ते पटियाला तो MP की चोण भी लड़नगे। ये दावा आम आदमी आगू ते राज्यसभा मैंबर संजय सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पटियाला तो संसद मैंबर डॉक्टर गांधी कुछ शर्तों तहत पार्टी शामिल हो रहे हैं। उधर डॉक्टर गांधी ने कहा है कि जेकर उन्होंने शर्तें मान लिया जांदियां ने तो पार्टी शामिल होने लिए तैयार ने, पर वह पंजाब कांग्रेस नाल समझौता करने के खिलाफ ने। इस दौरान डॉक्टर गांधी ने सुखपाल सिंह खहरा वालों पंजाब लई मंगी जा रही खुदमुख्तारी नूं मामूली दस्या तां कहा कि वह सिर्फ पंजाब लई नहीं सगों भारत के सारे राज्यां लई खुदमुख्तारी मंगते ने। जानकारी अनुसार आम आदमी आगू संजय सिंह ने डॉक्टर गांधी नाल उन्हां दी रहायश ते लगभग डूढ़ घंटा मीटिंग की। इस दौरान उन्हें मुल्क के सियासी मसलों समेत पंजाब च आम आदमी की माड़ी हालत बारे भी गलबात की। सूत्रों मुताबिक मीटिंग दौरान संजय सिंह ने गांधी नूं कहा कि वह पार्टी च आउण ते अपनी शर्तां कुछ नरम करते हुए पार्टी की भलाई लई काम करन। डॉक्टर गांधी नूं पटियाला संसदी सीट तो आम आदमी पार्टी वालों चोण लड़न वास्ते भी बेनती की गई है। डॉक्टर गांधी ने संजय सिंह नाल मीटिंग की पुष्टि करदे कहा कि आम आदमी आगू ने उन्होंने अपनी कुछ शर्तां नरम करके पार्टी च धड़ल्ले नाल काम करन लई कहा है। डॉक्टर गांधी का आखना है कि उन्होंने मंग सिर्फ इन्नी है कि सारे राज्यों की मौलिकता नूं वधन फुलण का मौका दिता जाए। इस बारे संजय सिंह ने भी हामी भरी है, पर उन्होंने मीटिंग च हुई गलबात बारे कोई होर जानकारी देने तो इनकार किया है। दविंदर पाल चंडीगढ़ तो लिखता है, आम आदमी पार्टी के आगू वालों पार्टी के नाराज़ से कटे हुए आगू की घर वापसी लिए चलाई मुहिम के तहत सबका प्रधान सुचा सिंह छोटेपुर नाल हुई मीटिंग निराशाजनक मनी जा रही है। पार्टी सूत्रों मुताबिक विधानसभा च विरोधी धिर नेता हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलबीर सिंह, महिला आगू ते विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर, करणवीर सिंह टवाणा, मनजीत सिंह बिट्टी ते होर आगू शामिल सन। मोहाली च छोटेपुर के घर मीटिंग दौरान उन्होंने आम आदमी के नेतावान खरिया खरिया सुनाइया ते वड्डे सवाल खड़े करदिया पार्टी की लीडरशिप की कारगुजारी ते टिप्पणियां कीतियां ते मन की पड़ास कढ़ी। सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा कि विधानसभा चोणों तो पहला जदों उन्होंने यानी छोटेपुर उत्ते दोष ला के कढ़ दिता सी पार्टी चों, तां ना केवल पार्टी सगों पंजाब का भी खासा नुकसान होया। छोटेपुर ने कहा कि पार्टी के वलंटियरां ते नेतावां दे उन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के पक्ष च माहौल सिरज दिता सी, पर जदों सीनियर आगुआं नूं ही छांगणा शुरू कर दिता तां लोकां च गलत मैसेज गया जिसका खमियाजा सब नूं भुगतना पिया। उन्होंने पूछा, मेरा जो नुकसान होया है उसकी भरपाई कौन करेगा ते कदों ते किवें होएगी भरपाई। आम आदमी नेतावां ने ठंड ठंडा दे यतन करदिआं कहा कि उस समें पार्टी तो गलतियां होईआं, इस विच ये भी गलती सी, पर हुण जेकर सारे इकट्ठे हो चुके चलीए तां बेहतर नतीजे आ सकदे आ। आम आदमी आगू पुरानीआं गल्लां ते मतभेद भुलाउण दीआं बेनतीआं करदे रहे। छोटेपुर ने इन्हां आगुआं नूं स्पष्ट कर दिता है जिस तरीके नाल उन्हां नूं बेइज्जत करके प्रधान दे अहुदे तों लांभे कीता सी, उह इस हाई कमांड दे आगुआं तों माफ़ी मंगाउण दे चाहवान ने। छोटेपुर ने कहा, जेकर उह पार्टी विच शामिल होणगे तां वड्डे लीडरां नाल गल्लबात ते विचारां करनगे। छोटेपुर ने गल्लबात करदिआं कहा कि उन्हां कोल पार्टी दे कई आगू आए, पर फिलहाल मैं कोई हामी नहीं भरी ते ना ही भरनी है। दूजे बन्ने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने रुस्से आगुआं ते बागियां नूं वापस लियाउण लई पार्टी दे सीनियर लीडरां दी ड्यूटी ला दित्ती है। एक आगू दा कहना है कि मीटिंगां लगातार जारी रहणगियां। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੁਣੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਿਖੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਾਫਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੋਰਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਤਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ।
ਦਾ ਸੁਰਮਾਰੀ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸੇ ਦਸਵੀ ਪ੍ਰਤਨ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿਆ ਵਿਤਾਏ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ 48ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 23 ਸਤੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ 70 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ ਐਤਕੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੀਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਚੁਣੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜੂਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 2018 ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੇਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇਗੀ Thank you.
मेले जे सानू काफला लियाउण लई कहा गया शहीद भगत सिंह दा जी। असीं मेले च आए, मेला हर साल 23 सितंबर तक मनाया जांदा है। ये मेला सानू बहुत वधिया लगा। इत्थे हर सभ्याचारक प्रोग्राम विरासती मेला, इहदे सारीआं पुराणीआं चीज़ां बारे जानकारी सभ मेले च बहुत कुछ सिखा। सानू पुराणीआं चीज़ां वेखण बारे मिलिया, खेतीबाड़ी संबंधी संत मेलन वेखे, खेडां वेखण मिले। गीतांजलि देवी, आपके ग्रुप का क्या नाम है? सप्तऋषि फोक कल्चर अकादमी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? असम से। क्या ऐसे जब आए हो बाबा जी के आगमन पूर्व पे, पहले भी आते रहे हो या पहली बार आए हो? नहीं, ऐसे तो प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन बाबा जी के प्रोग्राम फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा। क्या परफॉर्म करने जा रहे हो? बिहू भी करेंगे और हम लोग वहाँ का ट्राइबल्स जो है बागुरुम्बा वो भी करेंगे और झूमर भी करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो? मिले बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद भी कुछ आपके कंपटीशन वगैरह होंगे, आपके जो लोक नाच हैं? जी, यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ ये आज का शो है? नहीं, और 4 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे। अच्छा, 4 दिन आप जी नमस्ते, मेरा नाम है गीतांजलि देवी, हम लोग असम से आए हैं। हम लोग का ग्रुप का नाम है किश्ती एकेडमी। हम लोग यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो आसाम का हम लोग का जो असम का बिहू है और वो और बागुरुम्बा और बोरू करने वाले हैं। बाबा जी के यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी मिल रही है। हम लोग पहले बार आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है।